होगा दो तरह को, ये भी पता है कि 50 से पार्टी का केवल एक ही उम्मीदवार है, वो है अपना मामा नटुंग जी, के लिए पूरा तैयार बैठा हुआ है। अध्यक्ष है श्री एलिंग तालंग साहब को। अगर कुछ कमी करती हो तो हमें माफ करके जाना। हम लोग लमदंग में है और ये आऊ मामा घर में है, ये अभी 7 जैसे बज रहे हैं क्योंकि आज आऊ मामा घर ही लिए, तो हम लोग अभी डायरेक्ट बस्ती आ गया क्योंकि यहाँ में आऊ मामा घर में ये सीएम लोग जो तो वो लोग ब्रेकफास्ट खाएगा, तो उसके बाद हम लोग बाना जगह बाना मेरे लिए, तो अभी हम लोग आऊ मामा घर में देख सकते हैं। तो गाइस ये आऊ मामा का बस्ती का घर है, तो उसका अभी हम लोग वो लोग पहुँचने के बाद वो लोग अभी ब्रेकफास्ट खा के हम लोग देख बना जाए। देख लिया होगा जैसे कि सब लोग आ गए यहाँ पे, और ये इसका मेरा डीसी भी है और एसपी भी है और आऊ मामा लोग भी है, अभी मकान दुख पहुँचने वाला है, तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे पूरा लाइन ऐसे बना रहे हैं, तो चलिए अभी वो लोग पहुँचने तो दिखाते हैं। अभी हो गया, अभी हम लोग एडवांस जा रहे हैं और बाना में रिसेप्शन के लिए आऊ लोग यहाँ में ब्रेकफास्ट खा के जाएगा, तो चलिए अभी तक बाने
पहुंच गया। अभी देखो यहाँ पे पूरा ऐसे लाइन ऐसे बना के रखा है, तो अभी अभी आप इसे वीडियो बना के दिखाएगा, तो मामा लोग तो नहीं पहुंचे, वो लोग अभी आ रहे हैं, तो अभी हम लोग तो यहाँ पहुंच गए, तो अभी दिखाएगा आगे। तो चलिए नंबर भी बीमो धो के अगर कुछ कमी करती हो तो हमें माफ करके जाना यही करो बहाना बहाना को अबू अबू आसी हमेशा जीता रहेगा, इसलिए बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। तीर आगे बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता
भारत माता की, बीजेपी 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 पेमा खांडू नरेंद्र मोदी। यहाँ के स्थानीय विधायक के नाते अभी चुनाव सामने है, अब सबको पता है कि 19 तारीख को मतदान होना है और टंपिंग मेजोरिटी के साथ सार का हाथ मजबूत करके और हम विकास के बारिश करेंगे और इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट में 11 रेस्पॉन्सिबिलिटी में। तो इसी दो चार शब्दों की सरकार और कमल को और दो बार हम लोग खिलाएंगे और टंपिंग मेजोरिटी के साथ हम लोग फिर सरकार बनाएंगे, एक बार फिर अरुणाचल में, एक बार फिर पेमा सरकार भी तो अरुणाचल में फिर एक बार दौर पालम तक दौर पालम अरुणाचल में फिर एक बार तो आंतरिक हृदय से नमस्कार करते हुए मेरा वाणी को यही विराम देता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय बीजेपी बीजेपी बीजेपी। लेट अस बी डिसिप्लिन। पार्टी में है तो पार्टी का आइडियोलॉजी में जाइए। हम लोग तो अभी जो एस्पिरेंट कैंडिडेट है, एमएलए है, हमारा तो सीधा बात है, हमारा नेता पेमा खांडू जी, हम उसका वफादार सिपाही है। जून का 2 तारीख को ये भी पता है कि 50 से अधिक जो है हमारा भाजपा जो एमएलए बनने जा रहा है, ये भी आपको पता है, हम सबको पता है। अभी सिर्फ पता नहीं है तो आप लोग एक चीज पता नहीं है, वो आपको आज पता करना है कि 11 वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी एमएलए भेज रहा है ना ऑपोजिशन एमएलए भेजना है, वो आपको तय करना है। इसलिए पूरा तैयार बैठा हुआ है और इस बार बड़ा ही यूनिक है कि हम लोग पहले जब इलेक्शन का काउंटिंग होता था, एमपी और एमएलए का काउंटिंग भी एक साथ होता था, तो जश्न केवल सिर्फ एक ही दिन मनाता था, मगर इस बार दो बार हम लोग जश्न मनाएंगे। एक है 2 जून और दूसरा है 4 जून, क्योंकि 4 जून में भी अरुणाचल का जो 2 लोकसभा सीट है उसमें हम लोग लैंडस्लाइड विक्ट्री या थंपिंग विक्ट्री के साथ में दोनों लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के झोले में हम लोग डाल के यहाँ से अपना किरण रिजिजू जी, ईस्टर्न से अपना तपिर गांव जी को वापस। प्रदेश में तो सब लोग ट्राइबल है और ट्राइबल लोग तो फिर हंटिंग में भी काफी माहिर भी होता है, मगर हंटिंग उस जमाने में ठीक था जब खाने पीने में जो प्रॉब्लम था, उस जमाने में जो मॉडर्निटी नहीं था, सड़कें नहीं था, डेवलपमेंट में कुछ भी नहीं था, तो धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होता है हमारा कुछ कुछ इल प्रैक्टिस, जो खराब प्रैक्टिस को भी हम लोगों को शन करना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है। मैं 2000 से भी अधिक ईयर गन का सरेंडर होके हमारा अरुणाचल को एक नया पहचान मिला है। हमारा जितने भी जो यहाँ पे पशु पक्षी है, चिड़िया है, आज देखिए कहीं भी जाओ उसको देख पाता है और उनका आवाज भी सुन पाता है, तो ये बहुत अच्छा उनके लीडरशिप में काम हुआ है। इसमें केवल एक ही प्राइस होता है, जो जीता वही सिकंदर। इसलिए ऑपोजिशन लोग बहुत सारा वो लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करने का कोशिश करेगा, वो लोग बोलेगा कि सीएम साहब का हम लोग बी टीम है, पार्टी का बी टीम है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हमारा पार्टी का केवल एक ही उम्मीदवार है, वो है अपना मामा नटुंग जी। उनके साथ आप लोग पूरा एकजुट होके साथ दीजिएगा और खास करके और एक बार मैं अपना आकाश समाज के सभी अनुरोध करेंगे कि 11 वेस्ट सेपा से अपना मामा जी को आप लोग पूरा सहयोग दे के बेचना, इसका बाद बेचने के बाद सरकार में उसको कहाँ में काम लगाना वो मेरा ड्यूटी है। आप लोगों का सहयोग, पूरा इसको ऊपर में पूरा देना होगा और साथ साथ बीजेपी का उम्मीदवार एमपी के लिए किरण जी को भी एकदम रिकॉर्ड मार्जिन से यहाँ से जिता के बेचना है। आप सब लोग हमारे साथ खड़े होके बोलिए, बीजेपी
बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। पेमा कंडू, हमारा सीएम कैसा हो? हमारा सीएम कैसा हो? हमारा सीएम कैसा हो? अभी देखा ही होगा क्या क्या हुआ है स्पीच ऐसे और डांस ऐसे, और अभी यहाँ में प्रोग्राम खत्म ही हो गया, वोट ऑफ थैंक्स चल रहा है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट लमदंग निकलेगा, क्योंकि वहाँ से सीएम लोग जो वो आऊँगा हमारे घर में लंच करके, उसके बाद वो लोग ईटानगर चला जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग जाएगा, और व्लॉग में इतना हम दिखाई नहीं दिया होगा क्योंकि हमको बस दिखाना था प्रोग्राम कैसे चल रहा है हल्के। और चलिए तो अभी जाते हैं लमदंग की ओर। थैंक यू वंस अगेन। सीएम लोग पहुंच गया, अभी यहाँ पे पूरा वोल्ट पहुंच गया, बोलो गाड़ी इधर है, इसी देख सकते हैं बहुत सारा गाड़ी है वोल्ट का, ये इसका मेन गाड़ी है और वहाँ पे भी है, सीएम अकेले नहीं आया है, वहाँ पे पूरा एमएलए लोग भी है थोड़ा। तो अभी वो अंदर कर रहा है तो खा रहा है अंदर में। तो अभी हम लोग यहाँ पे ब्लॉग खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट। बाय। मुझे ये है, हुआ क्या? कुछ पता